ये जो गाड़ियां जब यहाँ घूमती हैं, जब यहाँ पोस्टर लगाए जाते हैं, जब यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, तब अगर यूनिवर्सिटी लिंग दो कमेटी का पालन नहीं करवा सकती तो वाइस चांसलर की कमजोरी है। वाइस चांसलर कमजोर आदमी है और उसको इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राइट, तो ये हमने हाईकोर्ट में भी कर, हाईकोर्ट ने भी माना कि यूनिवर्सिटी की इसमें गलती है। ये जागरूक रहे, वही चीज़ है, अगर ये सब जागरूक रहे तो इतना आसान नहीं होगा बाद में। शायद जैसे कि कई सारी महिलाएं जिनकी शादी भी होंगी पर पति इतनी आसानी डिक्टेट नहीं कर पाएंगे। इस पूरी पिटीशन में जिस दिन स्टे लगा उस दिन तक छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व इस पूरी पिटीशन में था ही नहीं। हमारी आधी लड़ाई अभी बाकी है, उसके लिए अभी हमें और स्टेप्स लेने हैं, और कदम बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये कदम शबाना जी ने उठाया है। हमारी मांग यही थी कि हमें 50% रिजर्वेशन चाहिए दूसरों के इलेक्शन में और कॉलेज यूनियन इलेक्शन 50%। भारत एक विशाल मुल्क है और यहाँ सालों भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, स्थानीय निकाय हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या छात्र संघ का चुनाव हो। आज चर्चा होगी छात्र संघ के चुनाव पर, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव पर। छात्र संघ के चुनाव की दृष्टि से दिल्ली विश्वविद्यालय इस देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। तकरीबन 1,00,000 लोग यहाँ पर वोट करते हैं और हर साल डूसू का इलेक्शन होता है। इस बार डूसू इलेक्शन के रिजल्ट पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, अब 21 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी। लेकिन इसके पहले मैंने 2 एपिसोड्स आपको दिखाए हैं, कुछ छात्र और आशू विधुरी हैं, एडवोकेट हैं, सवाना इधर हैं, ये पिटिशनर हैं, ये एडवोकेट हैं, डॉली डॉली है ना, लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट है, आप स्वप्नम प्रकाश हैं, ये भी लॉयर हैं, शबाना पिटिशनर रही। इन्होंने एक रिट दायर किया था हाई कोर्ट में कि डूसू चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था जिसमें महिलाओं के आरक्षण की बात है, अब कब लागू होगा पता नहीं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में महिला छात्राओं के लिए रिजर्वेशन हो, ये हाई कोर्ट में गया और एक बड़ी सफलता इनको मिली है। क्या पूरा मामला है ये समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। आशु हैं, सबाना है, पहले आप सुन चुके हैं, डॉली पहली बार आई है, स्वप्निम प्रकाश हैं, ये भी पहली बार आए हैं। जरा शुरू करते हैं, पहले तुम्हें से करते हैं। जी हाँ सबाना, बोलो क्या हुआ, जीत हो गई? जी सर। तो मिठाई किधर है? जी सर, मिठाई भी आएगी, जल्दी आएगी। अभी लड़ाई फिर भी बची है, थोड़ी सी जीत मिली है, लेकिन हम संघर्ष छोड़ेंगे नहीं और पूरी जीत लेके मानेंगे। सर, हम लोग हाईकोर्ट गए थे और ये केस जब हम लोगों ने PIL डाली तो वहाँ पे बोला गया कि आपके रिप्रेजेंटेशन पे जवाब देंगे DU के वाइस चांसलर। ओके। हम लोगों ने वेट किया और प्रॉक्टर मैडम का, रजनी अभी मैडम जो हैं, उन्होंने जवाब दिया भी उसमें। उन्होंने ये कहा क्लियरली कि ये जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी के सामने हम रखेंगे और इस पर क्या फैसला आएगा फिर हम आपको इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है तो इस पे जवाब देने के लिए उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए था। जैसे ही अभी ये हाईकोर्ट में डूसू का मामला गया तो सर्टेन गाइडलाइंस DU वालों ने दी और उस गाइडलाइंस में उन्होंने ये भी बताया है कि हम वुमेन रिजर्वेशन नेक्स्ट ईयर से लेकर आ रहे हैं। हमारी मांग यही थी कि हमें 50% रिजर्वेशन चाहिए डूसू के इलेक्शंस में और कॉलेज यूनियन इलेक्शन 50%। जी सर, लेकिन इन्होंने जो गाइडलाइंस में दिया है, इन्होंने क्लियरली बोला है कि डूसू में हम देंगे लेकिन एक सीट देंगे, एक मतलब 25%। हाँ जी, 25%, और उसमें भी ये है कि हम रोटेशनल बेसिस पे देंगे, जो कि आज तक नहीं था। तो आज तक महिला तो एक कभी... तो जीत तो हो ही गई। हाँ सर, वही बात है कि जीत हुई है, आधी जीत हुई है और आधी जीत के लिए संघर्ष जारी है। तो तुम भी पिटिशनर थी डॉली? नो सर। अच्छा, तो क्या रिएक्शन है कैंपस में इस ऑर्डर को लेकर? इस ऑर्डर को लेकर कैंपस में लोग बहुत खुश है, लोग इसके अगेंस्ट में भी है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे लाने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि महिलाओं को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है, फैमिली से भी, फाइनेंशियली भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो कितना ज़्यादा मनी पावर चाहिए होता है, और एक महिला को कैसे कोई आगे आने देगा। इसीलिए मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, हमें इसे छोटी जीत नहीं कहना चाहिए, और हमारी आधी लड़ाई अभी बाकी है, उसके लिए अभी हमें और स्टेप्स लेने हैं, और कदम बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये कदम शबाना जी ने उठाया है, और मैं उन पर बहुत प्राउड करती हूँ।
ये तो पैसा तो महिला चुनाव लड़ेगी वो भी पैसा खर्च करेगी, नहीं, अभी भी जो लड़ती है वो पैसा तो खर्च करती ही है, नहीं, नहीं। गरीब लोग कहाँ लड़ पाते हैं, या लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो महिलाएं लड़ती हैं तो थोड़ी फ्री में लड़ती हैं, वो भी चुनाव में पैसा खर्च करते हैं उसी तरीके से करते हैं पैसा खर्च, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, जैसे आप देखते हो डूसू में जो लोग कंटेस्ट करते हैं ना उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, लेकिन अगर कोई जैसे मैं मान लूँ मैं अगर आगे चुनाव लड़ूँ तो मेरा तो कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है ही नहीं, मैं कैसे जीतूँगी, तो मुझे मनी पावर चाहिए और मैन पावर चाहिए और बाकी सब चीज़ें भी चाहिए ना, जैसे कि मैं जीत सकूँ और आगे बढ़ सकूँ, अगर मुझे इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ मुझे थोड़ा स्पेस बना है तो हाँ, तो कौन लोग विरोध कर रहे हैं इसका, कौन लोग विरोध कर रहे हैं, काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे हैं, वो नहीं उनको लगता है कि आदमी और औरत बराबर होते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से आदमियों को भी पीछे रखा जाता है तो उनको भी सपोर्ट करा जाए, लाइक दे आर नॉट सपोर्टिंग दैट, दे आर सेइंग इसका थोड़ा सा मैं आंसू से बात करते हैं, चलिए आई एम सो ठीक है, ये आपने इसमें आर्ग्यू किया था, आर्ग्यू किया किस कोर्ट में था, ये हाई कोर्ट में था, चीफ जस्टिस मनमोहन और मनमोहन जस्टिस तुषार राव गडेला की कोर्ट में, क्या हुआ बताइए कोर्ट में, तो पहले बात कर लेते हैं जो डूसू इलेक्शन की काउंटिंग है उसके बारे में, हाँ, बात कर लेते हैं फिर महिला वाले इस पे आएंगे, तो मसला ये था इसमें सर काउंटिंग वाले में प्रशांत मनचंदा ने केस डाला था 2017 में, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि किस प्रकार से डिफेसमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी का नहीं होना चाहिए, ये 2019 में केस डिस्पोज हो गया था, इस बार फिर कुछ इस प्रकार के डिफेसमेंट के इंसिडेंट देखने को मिले जहाँ पे मनी पावर मसल पावर कुछ पोस्टरबाजी हुई, आपने भी कैंपस में सड़कों पर आपने देखा होगा, तो बेसिकली फिर से मामला हाईकोर्ट में इनिशिएट हुआ और हाईकोर्ट में मामले को चला, तो हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया काउंटिंग पे, काउंटिंग पे स्टे लगने के बाद क्या था वहाँ सब कुछ था, वहाँ छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, तो सबसे पहले कोर्ट में छात्रों इस पूरी पिटीशन में जिस दिन स्टे लगा उस दिन तक छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व इस पूरी पिटीशन में था ही नहीं, अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉ फैकल्टी के कुछ एक लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट है अजीत यादव और एक रामजस कॉलेज का स्टूडेंट है हरिओम पांडे जो चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग पोस्ट पे, उन दोनों लोगों की तरफ से हमने हाईकोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाई कि हमें इसमें पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि जब तक आप छात्रों के मसले पे डील कर रहे हैं और छात्र कोई है ही नहीं तो फिर कैसे नेचुरल जस्टिस, यही कहता है नेचुरल जस्टिस नहीं है, तो हाईकोर्ट ने हमारी बात को समझा और हमें पक्षकार बनाया, तो हम पक्षकार बने, फिर हमने हाईकोर्ट से कहा कि अगर पहली बात तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रिजल्ट रोक लेना कोई सही तरीका नहीं, हमने हाईकोर्ट में इस चीज़ को रखा और बताया कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो रोके जा रहे हैं, और हमने उनमें अल्टरनेटिव बताया कि अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, हमने कहा जिन छात्रों से गलती हुई है उन छात्रों से सुधार करवाया जाए, और हमने सबसे पहले लॉ फैकल्टी और रामजस कॉलेज को साफ करके हाईकोर्ट को दिखाया कि जिन छात्रों से गलती हुई है वो इसको साफ कर रहे हैं, और उन्होंने साफ किया, उसके बाद हाईकोर्ट ने बाकी जो कैंडिडेट्स थे उन सबको उसमें पक्षकार बनाया, उन कैंडिडेट्स की तरफ से भी फिर हम लोगों ने इसको केस को लगा, तो बेसिकली अगर बताया जाए तो दो कैंडिडेट ये रामजस और लॉ फैकल्टी वाले और फिर लोकेश चौधरी जो NHUI से डूसू कंटेस्ट की जनरल सेक्रेटरी के लिए वो और रौनक खत्री जो NHUI से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लड़े, उन लोगों की तरफ से हम हाईकोर्ट में इस केस को रखा, और हमने हाईकोर्ट में अपने सफाई अभियान में जो हम लोग शामिल हुए जो यूनिवर्सिटी ने सफाई अभियान चलाया उसमें सारे कैंडिडेट्स ने सम्मिलित होकर भाग लिया, और सभी ने लिया, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा उसने लिया, सभी ने सम्मिलित होकर भाग लिया, और उनके भाग लेने के अलावा छात्रों ने भी इसमें व्यापक तौर पर भाग लिया, और अब आप देखेंगे यूनिवर्सिटी बहुत साफ दिखाई आपको दिखाई पड़ेगी, तो देखिए क्या है कि ये जनरेशन है जिसको रिफॉर्म की ज़रूरत है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, ये हमारी स्टेज है, छात्र हैं, अगर छात्रों से कोई गलती होती है हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि इन छात्रों को सेकंड चांस दिया जाना चाहिए ना कि इन्हें पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, और जो लिंगदो का वायलेशन है उसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, ये बात हमने हाईकोर्ट में भी कही और ये बात मैं कहीं भी कहने को तैयार हूँ कि लिंगदो कमेटी का अगर पालन नहीं हो पा रहा है तो ये यूनिवर्सिटी का वीक एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार है, बात मैंने आपके साथ पहले इंटरव्यू हुआ था उसमें भी कही थी कि ये जो गाड़ियाँ जब यहाँ घूमती हैं, जब यहाँ पोस्टर लगाए जाते हैं, जब यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, तब अगर यूनिवर्सिटी लिंगदो कमेटी का पालन नहीं करवा सकती तो वाइस चांसलर की कमजोरी है, वाइस चांसलर कमजोर आदमी है और उसको इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, राइट, तो ये हमने हाईकोर्ट में भी कर, हाईकोर्ट ने भी माना कि यूनिवर्सिटी की इसमें गलती है, अगर कोई लॉ ऑलरेडी है, कोई नया लॉ नहीं बना हाईकोर्ट ने, लॉ ऑलरेडी है आप उसका पालन नहीं करवा पा रहे, और जब कोई गलती हो जाए तो आप कह रहे छात्रों की जिम्मेदारी है, छात्र कैसे जिम्मेदार है, आप खुद नहीं रोकवा पा रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने उसी को कंसिडर किया है और हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि 26 नवंबर से पहले आप उनकी काउंटिंग करिए, रिजल्ट डिक्लेयर करिए और यूनिवर्सिटी में जो डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर करिए,
और अब जो पता चला है, कुछ स्टेटमेंट आए हैं, न्यूज़ क्लिप भी आई हैं कि 21 नवंबर से पहले यूनिवर्सिटी काउंसलिंग या 21 नवंबर को यूनिवर्सिटी जो है काउंटिंग कर देगी, और जहां तक अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन 21 नवंबर को दूसरे चुनाव के डिले हो गया, 2 महीना डिले हो गया। और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है आम छात्रों ने झेला है, आम कैंडिडेट्स ने झेला। 92 कॉलेज है सर यूनिवर्सिटी पे, 92 कॉलेज से अगर आप पर कॉलेज एवरेज लगाएंगे 10 या 15 कैंडिडेट का भी 1000 से ज़्यादा छात्र उन्हें रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। किसकी गलती से? यूनिवर्सिटी की गलती से। सभी लोगों ने तो पोस्टर नहीं लगाए ना, कुछ ने लगाए और बाकी सब दंडित हुए। हाईकोर्ट की भी इसमें कोई गलती नहीं, हाईकोर्ट ने जब वॉयलेशन देखेगा तो क्या करेगा? तो यूनिवर्सिटी का फेलियर है, उसकी वजह से छात्रों ने सफर किया है। दूसरा आपका जो मैटर है, जो जिसमें आप आर्ग्यू कर रहे थे, इसमें जीत हुई है आपकी। जी बिल्कुल। क्या था मैटर और यूनिवर्सिटी ने क्या गाइडलाइंस जारी किया? देखिए, मामला ये था कि आपके साथ जब पहले ही बात हुई थी कि यूनिवर्सिटी में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत हद तक महिलाएं जो हैं या तो सामने नहीं आ पाती हैं, और सामने आ जाती हैं तो माहौल देख के डर जाती हैं। तो उस माहौल में जब आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम ले आ रहे हो और 33% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हो, तो महिलाएं नेता बनेंगी कहाँ से? उनकी आप जो नर्सरी है, जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ से आदमी एक तरीके से कहें कि एक जो जनरल वो आता है ना, जो शिफ्ट आता है आदमी के अंदर, हर किसी की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आता है, आप वहाँ उन्हें मौका दे नहीं रहे हैं, और कल को आप उन्हें चाहते हैं कि सीधा विधायक ही, सांसद ही और पार्षद ही लड़ लें, ये मुश्किल टास्क है। आप देखेंगे गांव से, ट्राइबल एरिया से और इतने दूर दराज के एरिया से महिलाएं हैं, उन महिलाओं की तरफ यहाँ मौका देंगे तभी वो आगे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यही हमारी पिटीशन का मसला था, हमने हाईकोर्ट के समक्ष रखने से पहले आपने 50% मांगा था, हमने 50% मांगा था, और हम अभी भी उस पर अडिग हैं कि 50% ही होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो लड़कियाँ हैं उनकी स्ट्रेंथ 52% है। आप जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी भागीदारी देने की आप जो प्रण करते हैं वो यहीं से शुरू होता है, आपको 50% देना था, लेकिन कोई नहीं, आपने एक दिया है, हम अभी भी इस पर लगे रहेंगे, अभी भी हम इस पर कोशिश करेंगे कि इस पर 2 सीट हम कराएंगे और जागरूकता लेके आएंगे। क्या है कि जीत कितनी भी छोटी हो, जीत होती है, और सबसे बड़ी जीत है अब ये महिलाओं को लग रहा है कि हम लड़ भी सकते हैं। और ये लड़ाई आप देखें, लड़ी किसने है? यूनिवर्सिटी की आम महिलाओं ने लड़ी है, आम लड़कियों ने लड़ी है। यूनिवर्सिटी की वो लड़कियां जिनको लोग ये नहीं समझते कि ये कुछ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वो लड़कियां जो अपने लिए कॉलेज में सैनिटरी पैड्स नहीं लगवा सकती हैं, आज उन्होंने यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी बदल दी है। तो जो आज एक बदली है तो कल ज़्यादा भी बदलेंगे, तो कोई शुरुआत हुई है, और ये सबाना इसके लिए बहुत ही मतलब बधाई की पात्र है कि इसने इस जंग को लड़ा। और सर, मैंने तो देखा है कि 1-1.5 साल तो इसने इसकी तैयारी करी, और अभी भी ये इस पर रुकना नहीं चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, 50% की सीमा तक जाना चाहती है। दूसरा, मैं आपका अपना समय ना लेते हुए जो डॉली से जो आप सवाल कर रहे थे उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो ज़रूरी है, मैं ऐसा थोड़ा सा नहीं मानता हूँ, चुनाव लड़ने के लिए हौसले की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ी बात है, रिजर्वेशन जो देगा ये डॉली जैसी लड़कियों को और सभी लड़कियों की हिम्मत देगा कि सीट तो हमारी है, लड़ेंगे तो हम हार ही तो जाएंगे। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। तो इन लड़कियों को सबसे पहले वो हिम्मत देनी है कि तुम लड़ोगे। तो सर, ये जो पिटीशन है और ये जो रिजर्वेशन है, ये इन लड़कियों के लिए हिम्मत के लिए है, और हिम्मत मिलेगी तो लड़ेंगे। आप भी पिटिशनर थे इसमें? आप ये वकील मेरे साथ ही थे, तो इस केस में मैं इनके साथ ही था। मैं ये अगर मानूं, सबसे पहले सराहना करना चाहता हूँ शबाना का, इनिशिएटिव लिया इन्होंने, और मेरे ख्याल से बहुत कम ही लड़कियां होती हैं जो कि इतनी हिम्मत करके यहाँ तक लेके जाए, खासतौर से इस दौर में। वही, और फिर आशु ने उनका काफी ज्यादा, मैं सच कहूंगा तो मैं थोड़ा लेट जुड़ा, लेकिन यही था कि इनका मुद्दा ऐसा था कि इसको रखना जरूरी था। और जिस हिसाब से जब 33% आरक्षण जब संसद में आ गया था ये बिल, तो यहाँ पे तो ये था कि अगर सिंपल, अगर साधारण भाषा करें, इट इज अ क्रेडल फॉर डेमोक्रेसी, जो सम यूनिवर्सिटी है ये पालना है, ब्रीडिंग ग्राउंड है। एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे आप चीज़ें सही कर लें आगे सब सही रहेगा। जो अगर आप जैसे आपने कहा, जैसे कई सारी महिलाएं होती जो पैसे के दम पे ही लड़ती हैं, लेकिन वही है प्रधानपति हो गया या प्रमुख पति वाला कॉन्सेप्ट जो हमारे काफ़ी, शायद इनको अगर ये जागरूक रहें, वही चीज़ है, अगर ये सब जागरूक रहें तो इतना आसान नहीं होगा बाद में। शायद जैसे कि कई सारी महिलाएं जिनकी शादी भी होंगी पर पति इतनी आसानी डिक्टेट नहीं कर पाएंगे उसे कि नहीं आप तुम यही करो या फिर अंगूठा लगाने जाओ, सिर्फ तुम्हारे ऐसा कोई काम नहीं है, शपथ करना। तो कम से कम यहाँ अगर चीज़ें शुरू, तो यही चीज़ अगर ये प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है जहाँ से ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे, ये तो शायद अगर कहूँ तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, हम काफ़ी डिले हो चुके हैं इसके अंदर। और इसके लिए फिर वही है, शबाना और आशु दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने शुरू किया, कम से कम ये एक पहल है, हो सकता है ये यहाँ से शुरू हो गया, पूरे भारतवर्ष में हर जगह ये चाहिए एटलीस्ट। चलिए, जहाँ पे नारा चल रहा है बटोगे तो कटोगे,
और ये खास तौर से किस समुदाय के लिए दिया जा रहा है सब स्पष्ट है। तो वहाँ पे शवाना एक इतिहास रच रही हैं, आंसू हैं, डॉली है, तमाम साथी हैं, प्रकाश हैं, इतिहास रचा जा रहा है और इसका डॉक्यूमेंटेशन हमने अम्बेडकर नामा पर किया है। हम रहे न रहे लेकिन ये वीडियो ज़रूर रहेगा, जब तक यूट्यूब रहेगा ये वीडियो रहेगा। शवाना के हौसले को, इन बच्चों को बधाई दीजिए, ये लड़ाई, ये कारवा और आगे बढ़े। और एक बात मैं सर आपके बीच में कर, ये जो सफ़र है, इस सफ़र में सर का जो योगदान है उसको सर नहीं कह रहे, उसको हम कहेंगे। सर का योगदान अतुल्य है, क्योंकि हम लोगों को मंच देना, हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका देना ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज हम लोग अपनी बात कहेंगे तो हो सकता है यूनिवर्सिटी में, अलग यूनिवर्सिटी में, दूसरे प्रदेश में, राज्य में कहीं कुछ और लड़कियां हैं जो शायद शवाना से हौसला लेंगी, सर के इस वीडियो से हौसला लेंगी और वे समझ पाएंगी कि जंग कोई मुश्किल नहीं है और कोई मुकाम ऐसा नहीं जो हासिल ना किया जा सके। तो इसके लिए सर को हम धन्यवाद देते हैं अपनी तरफ से। चलिए, ये हमारी जिम्मेदारी थी और ये रिजर्वेशन अगले साल से लागू, अगले साल से। तो चलिए, अगले साल जब रिजर्वेशन के साथ डूसू का चुनाव होगा फिर हम शवाना आजू से बात करेंगे। इन बिटवीन 21 को जो काउंटिंग हो रहा है, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का एनालिसिस भी हम लोग अम्बेडकर नामा पर करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा और डॉली और शवाना को विशेष रूप से बधाई दीजिए कि हौसले के साथ ऐसे माहौल में ये लड़ी और जीती। शुक्रिया।